हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एरिस्टोटल की द पोएटिक्स समराइज करूँगी। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको इजीली अच्छे से समझा सकूँ। द पोएटिक्स में जो कंटेंट है वो लेक्चर्स थे एरिस्टोटल के, जो उन्होंने आर्ट ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर पर अपने स्टूडेंट्स को दिए थे, जिसको बाद में उनके स्टूडेंट्स के द्वारा 26 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया और पब्लिश करवाया गया। इस वर्क में ट्रेजिक ड्रामा का नेचर बताया गया है और ड्रामा के 6 एसेंशियल एलिमेंट्स बताए गए हैं और ट्रेजिक प्लॉट को एक्सप्लेन किया गया है। अब हम द पोएटिक्स को समझने से पहले एरिस्टोटल के मास्टर द प्लेटो, उनका एक वर्क है द रिपब्लिक, उसे हम थोड़ा सा समझते हैं, जिससे कि द पोएटिक्स को समझने में हेल्प मिलेगी और प्लेटो के कंपैरिजन में एरिस्टोटल के क्या थॉट्स थे वो हम अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में ये कहा है कि जो पोइट्री है या जो पोइट है उन्हें स्टेट से वैनिश करना चाहिए, उन्हें निकाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पोइट्री होती है वो हमारी इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है, इमेजिनेटिव है कोई चीज़, यानी कि वो फॉल्स है, उसमें कुछ भी रियल नहीं है, वो टोटली इमेजिनेटिव है। अब वो 3 रीजंस देते हैं कि क्यों। वो कहते हैं कि अब जब वो इमेजिनेटिव है तो उसमें कुछ रियल नहीं है, तो वो पोइट्री से क्या होता है कि पोइट्री स्टेट या नेशन में फाल्स हुड्स प्रोपोगेट करते हैं, यानी कि फाल्स फिक्टिशियस थिंग्स को बढ़ावा देते हैं। दूसरा रीजन वो बताते हैं कि पोइट्री से जो गॉड्स होते हैं उनकी इंसल्ट होती है। क्यों? क्योंकि पोइट्री में कभी कभी पोइट गॉड को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं जैसे गॉड है वो किसी जानवर का रूप रखा है या किसी और तरीके के रूप में आ गए, तो इस तरीके से जब पोइट रिप्रेजेंट करते हैं गॉड को तो गॉड की इंसल्ट होती है। फिर वो रीज़न बताते हैं कि ये यूथ को एफिमिनेट करती है पोइट्री, यानी कि वुमैनिश टाइप बना देती है, क्योंकि जैसे पोइट्री जो होती है वो हमारे इमोशंस को अराइज करती है, हार्मनी देती है हमें, तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पोइट्री के, तो जब कोई पोइट्री पढ़ता है या पोइट्री को बढ़ावा देते हैं तो उससे नेशन में यूथ में वुमैनिश एक्टिविटीज आ जाती हैं, वुमैनिश टाइप का नेचर हो जाता है यूथ का। इसीलिए प्लेटो बोलते हैं कि पोइट्री और इस तरह के पोइट्स को रिजेक्ट कर देना चाहिए, उन्हें निकाल देना चाहिए। आगे जो प्लेटो का आइडिया है इमिटेशन को लेकर उसे हम समझते हैं। प्लेटो कहते हैं कि पोइट्री रियलिटी से ट्वाइस रिमूव्ड है, यानी कि पोइट्री इमिटेशन की भी इमिटेशन है। वो कहते हैं कि गॉड के बाद अगर कोई रियलिटी है तो वो आइडिया है, और आइडिया से जो भी कुछ क्रिएट होता है वो सभी इमिटेशन है, वो सभी कॉपी है। वो एग्जांपल देते हैं जैसे कारपेंटर है, कारपेंटर इमेजिन करता है पहले, जैसे उसे अगर टेबल बनानी है या चेयर बनानी है, बेड बनाना है, तो कारपेंटर के माइंड में आइडिया आता है सबसे पहले, तो वो जो आइडिया है वो रियलिटी है, और जब वो क्रिएट करता है, जब वो बेड बना देता है या टेबल बना देता है, तो वो कॉपी है, वो इमिटेशन है। अब हम एरिस्टोटल का कंसेप्ट जानते हैं इमिटेशन को लेकर। अभी हम शॉर्ट में समझ रहे हैं कि उनका पोइट्री के प्रति क्या कंसेप्ट है, उसे हम समझ रहे हैं। तो एरिस्टोटल ये तो मानते हैं कि पोइट्री एक इमिटेशन है, पर वो उसे एक नए नज़रिए से देखते हैं।
वो पोइट्री को एक अच्छा स्कोप देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, वो पोइट्री को डिफेंड करते हैं। कहते हैं कि पोइट्री या इमिटेशन इंस्टिंक्टिव है, यानी कि जो इमिटेशन है वो स्वाभाविक है। हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हमारी जो भी लर्निंग्स हैं वो इमिटेशन पर ही बेस्ड हैं, और इमिटेशन हम ह्यूमन नेचर में बहुत स्वाभाविक है। इमिटेशन सिर्फ कॉपी नहीं है बल्कि ये एक सोर्स है प्लेजर का। पोइट्री को एरिस्टोटल आर्ट मानते हैं इमिटेशन की। वो कहते हैं कि पोइट्री इमिटेशन की आर्ट है, यानी कि हम किस तरीके से इमिटेट करें उसकी कला है पोइट्री, या हम किस तरीके से अपनी जो इमेजिनेशन है, इमिटेशन है, उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, उस वो कला है पोइट्री। पोइट की जो इमिटेशन होती है, पोइट अपनी इमिटेशन के थ्रू ह्यूमन नेचर, ह्यूमन लाइफ का जो ट्रुथ होता है उसे एक्सपोज करता है, उसे रिप्रेजेंट करता है लोगों के सामने, उसे बताता है। एरिस्टोटल बिलीव करते हैं कि ह्यूमन नेचर में कुछ ऐसा है जो टाइम और स्पेस से बियॉन्ड है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था जो मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ये एक ओवरव्यू था, अब हम अच्छे से समझेंगे कंसेप्ट ऑफ इमिटेशन। एरिस्टोटल कहते हैं कि ना सिर्फ एपिक पोइट्री, ना ट्रेजेडी, बल्कि कॉमेडी, डिथरेम्बिक पोइट्री, द म्यूजिक ऑफ फ्लूट, लैर, ये जितनी भी फॉर्म्स हैं ये सभी इमिटेशन की मोड्स हैं। इन तरीकों से हम इमिटेट करते हैं। अगर इनमें डिफरेंस करना है तो वो तीन तरीकों से किया जा सकता है, द मीडियम ऑफ इमिटेशन, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन, द मैनर और मोड ऑफ इमिटेशन। द मीडियम ऑफ इमिटेशन क्या, जिस चीज के थ्रू हम इमिटेट करते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन, हम किसे या क्या इमिटेट करते हैं। द मैनर और मोड ऑफ इमिटेशन, हम कैसे इमिटेट करते हैं। द मीडियम ऑफ इमिटेशन में क्या है, जैसे कलर के थ्रू, फॉर्म, वॉइस, या कोई भी इक्विपमेंट हुआ, कोई चीज़ हुई जिसके थ्रू हम इमिटेट कर रहे हैं, या इमिटेट करने में हेल्पफुल है कोई चीज़, तो वो मीडियम होगा इमिटेशन का। जैसे अगर हम पोइट्री, ड्रामा, इन सब में देखें तो जैसे रिदम, लैंग्वेज, हारमनी, जैसे फ्लूट का जो म्यूज़िक होता है, लयर का, पाइप का, इसमें हमें हारमनी मिलती है, रिदम मिलता है। डांस होता है तो उसमें हम किसी के कैरेक्टर को इमिटेट करते हैं, इमोशंस को इमिटेट करते हैं, एक्शंस को इमिटेट करते हैं, और डांस में एक रिदमिकल मूवमेंट होता है पर हारमनी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें, ये मीडियम है इमिटेशन के। ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन, जिस चीज को या जिसे हम इमिटेट कर रहे हैं, तो एरिस्टोटल कहते हैं द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन आर मैन इन एक्शन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स है इमिटेशन के वो मैन हैं, वो लोग हैं जो हम अपने, जिनको हम अपने एक्शंस में इमिटेट करते हैं या एक्शंस के थ्रू करते हैं। तो जिनको हम इमिटेट करते हैं वो या तो हायर टाइप के हो सकते हैं या लोअर टाइप के हो सकते हैं, और हम इन्हें तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में जैसे हैं, हम उनकी रियलिटी से बेटर उन्हें रिप्रेजेंट करें, या फिर जैसे वो हैं उनसे वर्स्ट, उनसे जैसे वो हैं अपनी रियल लाइफ में उससे बुरा हम उन्हें रिप्रेजेंट करें, या वो जैसे हैं वैसे रिप्रेजेंट करें। और यही डिफरेंस हमें कॉमेडी और ट्रेजेडी में देखने को मिलता है। कॉमेडी में क्या होता है कि हम लोगों को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं जैसे वो अपनी लाइफ में है उससे बुरा, और ट्रेजेडी में जैसे वो अपनी लाइफ में है उससे अच्छा।
मैनर और मोड ऑफ इमिटेशन, हम किस तरह से इमिटेट कर रहे हैं, जैसे पोइट्री को किस तरह कन्वे किया जा रहा है ऑडियंस तक, जैसे ईपिक है, ईपिक को नैरेट किया जाता है, तो जो ईपिक का मोड हुआ वो नैरेशन हुआ, ट्रेजेडी को ड्रामा की तरह, ट्रेजेडी का जो मोड हुआ वो ड्रामा हुआ, ड्रामा क्या होता है, एक्शंस, एक्शंस के थ्रू जब हम कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात को पहुंचाते हैं, कुछ भी रिप्रेजेंट करते हैं एक्शंस के थ्रू, दैट इज ड्रामा। तो जो ट्रेजेडी का मोड है वो है ड्रामा। अब पोइट्री का ओरिजिनेशन कैसे होता है, पोइट्री का ओरिजिनेशन स्वाभाविक रूप से होता है, जैसे हमने पहले समझा था, इसके दो कारण होते हैं, एक तो इमिटेशन और एक हार्मनी। इमिटेशन कैसे, जैसे क्योंकि हमारा जो ह्यूमन नेचर होता है वो इमिटेशन पे ही बेस्ड है, हम जो भी करते हैं, जो भी सीखते हैं वो इमिटेशन पर ही बेस्ड है, और ह्यूमन सभी लिविंग क्रिएचर में से सबसे ज़्यादा इमेजिनेटिव है। और दूसरा कारण हार्मनी, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो हार्मनी की तरफ भी जाते हैं, वो हार्मनी ढूंढते हैं, इसीलिए इन दो कारणों के कारण पोइट्री का ओरिजिनेशन होता है। अब ये पोइट्री दो डायरेक्शंस में जाती है, एक सटैरिक एक सीरियस। सटैरिक मीन्स हमने जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन में जाना था कि जब हम लोगों को इस तरह रिप्रेजेंट करें उनकी रियलिटी से बुरा तो वो सटैरिक, और जब हम उन्हें अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं तो सीरियस। तो जो लोग ऐसे मामूली लोगों को, बुरे लोगों को इमिटेट करते हो तो वो सटैरिक वर्क होगा या सटैरिक पोइट्री, और जो अच्छे नोवल एक्शंस, अच्छे लोगों को रिप्रेजेंट करें वो सीरियस इपिक्स या पोइट्री। अब यही आगे चल के जो सटैरिक है वो कॉमेडी में डेवलप होती है, जो सीरियस इपिक्स है वो ट्रेजेडी में डेवलप होती हैं। अब ट्रेजेडी और कॉमेडी में तो डिफरेंस हमें साफ साफ देखने को मिलता है, ट्रेजेडी में सीरियस एंड होता है, वो सीरियस होती है, उसमें नोवल और अच्छे एक्शंस को दिखाया जाता है, और जो कॉमेडी है उसमें फनी और हंसी मजाक, मतलब नैतिकता को ध्यान में नहीं रखा जाता और बहुत ही बुरे लोगों को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। और जो ट्रेजेडी और ईपिक में क्या डिफरेंस है कि जो ट्रेजेडी का मोड होता है वो ड्रामा होता है और ईपिक का जो होता है वो नैरेटिव होता है, इस तरीके से ट्रेजेडी और ईपिक में डिफरेंस है। हालांकि जब हम इसका ओरिजिनल वर्क पढ़ते तो उसमें और भी डिटेल में बताया गया है कि जैसे ईपिक में मीटर वगैरह इन सब से भी डिफरेंस किया गया है। अब ट्रेजेडी, अब जो मेन फोकस है इस वर्क का वो है ट्रेजेडी। तो ट्रेजेडी की डेफिनेशन क्या है, ट्रेजेडी देन इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड इन लैंग्वेज एम्बेलिश्ड विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट द सेवरल काइंड्स बीइंग फाउंड इन सेपरेट पार्ट्स ऑफ द प्ले इन द फॉर्म ऑफ एक्शन नॉट ऑफ नैरेटिव थ्रू पिटी एंड फियर अफेक्टिंग द प्रॉपर प्रगेशन ऑफ दीज इमोशंस। यानी कि जो ट्रेजेडी है वो एक सीरियस एक्शन की इमिटेशन है, यानी कि जो ट्रेजेडी है वो सीरियस होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। अभी हम इसी डेफिनेशन को आगे जो भी हम जानेंगे वो इसी डेफिनेशन पे बेस्ड है, तो हमें अच्छे से आगे चल के समझ आ जाएगी, ठीक है। तो जो ट्रेजेडी है वो सीरियस होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, उसकी एक सर्टेन लेंथ होनी चाहिए, उसकी जो लैंग्वेज है वो फिगरेटिव होनी चाहिए, और उसका जो पार्ट्स होने चाहिए उसके प्लॉट अच्छे से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, उसकी जो फॉर्म होनी चाहिए वो ड्रामेटिक होनी चाहिए, एक्शन में होनी चाहिए, नैरेटिव नहीं होनी चाहिए, और जो मेन फंक्शन है ट्रेजेडी का वो उस इमोशंस का परगेशन करे। इन सभी को अभी हम आगे समझेंगे। एरिस्टोटल 6 एलिमेंट्स बताते हैं जो ट्रेजेडी में होने चाहिए, प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन,
थॉट, स्पेक्टिकल एंड सॉन्ग। अब प्लॉट को एरिस्टोटल ट्रेजेडी का सोल बताते हैं। प्लॉट क्या है? प्लॉट एक तरीके से एक ओवरव्यू, हमारा जो भी ड्रामा है, ट्रेजेडी है, उसका ओवरव्यू कि हमें चीज़ों को कैसे कैसे डिवाइड करना है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, कैसे क्या होना चाहिए, एक पूरा स्ट्रक्चर। तो जो प्लॉट है वो क्या होना चाहिए? वो कंप्लीट और होल होना चाहिए। जैसे अभी डेफिनेशन में बताया कि कंप्लीट ट्रेजेडी कंप्लीट होनी चाहिए, तो यानी कि प्लॉट जो है ट्रेजेडी का वो कंप्लीट और होल होना चाहिए। यहाँ पे कंप्लीट और होल से मतलब है कि उसमें प्रॉपर बिगिनिंग हो, मिडिल हो, एंड हो, और इन तीनों के बीच में एक प्रॉपर यूनिटी होनी चाहिए। बिगिनिंग का ये तीनों वर्ड आपको पता ही है, जैसे बिगिनिंग कि कोई भी ऐसे ऐसा एपिसोड, वो सीन्स, वो पार्ट ट्रेजेडी का जिसके पहले कुछ ना आता हो मगर बाद में कुछ आता हो, मिडिल जिससे पहले भी कुछ पार्ट हो और बाद में भी, और एंड जिसके बाद में कोई पार्ट ना हो बट उससे पहले पार्ट हो। सर्टेन मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी एक सर्टेन लेंथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही लंबी हो गया, उसका टाइम फिक्स नहीं है, बहुत लंबा ड्रामा हो गया तो इससे जो स्पेक्टेटर्स हैं वो बोर हो जाएंगे, जो इवेंट्स हैं वो उन्हें याद नहीं रहेंगे, उन्हें मज़ा नहीं आएगा। तो इन सब का हमें ध्यान रखना चाहिए, जो इवेंट्स हो, जो चेंज ऑफ फॉर्च्यून हो, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन हो, वो सभी उस टाइम, उस लिमिटेड टाइम के अंदर फिट बैठने चाहिए, और जो स्पेक्टेटर्स हैं उन्हें याद रहने चाहिए इवेंट्स अच्छे से। काइंड्स ऑफ प्लॉट, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो प्लॉट्स जो हैं वो या सिंपल होते हैं या कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो सिंपल प्लॉट वो होता है जिसमें चेंज ऑफ फॉर्च्यून ना हो या रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ना हो, रिकग्निशन ना हो। इन टर्म्स को अभी हम समझेंगे, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून क्या है, सिचुएशन क्या है, रिकग्निशन क्या है, इसको हम समझेंगे। अभी हम इतना समझते हैं कि जिसमें चेंज ऑफ फॉर्च्यून, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, रिकग्निशन ना हो वो सिंपल प्लॉट है, और जिसमें ये हो वो कॉम्प्लेक्स प्लॉट है। रिवर्सल ऑफ सिचुएशन या पेरिपेटिटिया। रिवर्सल ऑफ सिचुएशन क्या होता है? जैसे कोई भी सिचुएशन है उसका एकदम से अपोजिट हो जाना, जैसे कोई कैरेक्टर है या हीरो है उसका जो सिचुएशन है बहुत अच्छी सिचुएशन है बट एकदम से वो अपोजिट हो जाए, बहुत बुरी सिचुएशन में आ जाए, सिचुएशन एकदम उसके अपोजिट हो जाए, कोई बहुत अच्छा अमीर था बट एकदम से वो ज़मीन पर गरीब हो जाए, तो इस ये होगा रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन। और रिकॉग्निशन क्या है? इग्नोरेंस टू नॉलेज, जैसे हमें कुछ पता नहीं है, हमें एकदम से कुछ पता चल जाए, कोई राज पता चल जाए, ठीक है, कुछ भी ऐसी बात पता चल जाए जिससे चेंजमेंट आए, कुछ चेंज हो। तो रिवर्सल और रिकग्निशन ये दोनों मिलके क्या करते हैं? पिटी और फियर, इन इमोशंस को प्रोड्यूस करते हैं और सरप्राइज को प्रोड्यूस करते हैं। एक थर्ड पार्ट और होता है, वो होगा द सीन ऑफ सफरिंग। ये सबसे ज़्यादा पेनफुल पार्ट होता है, जैसे इसमें किसी की डेथ हो जाती है या बहुत, तो सबसे जो ट्रेजेडी का सबसे ज़्यादा पेनफुल पार्ट होता है वो यही होता है ज़्यादातर एंड में। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ रिकग्निशन। अभी जो हमने रिकग्निशन समझा, इग्नोरेंस टू नॉलेज, तो वो चार तरीके से हो सकती है। जैसे किसी हीरो या कैरेक्टर के बॉडी पर कोई साइन ऐसा हो, हमने बहुत सारी मूवी में देखा है, साइन देखकर कुछ पहचान हो जाए, कोई रहस्य पता चल जाए, कोई बात पता चल जाए, इस तरीके से, या इन्वेंटेड एट विल, या कोई जो पर्सन है, कैरेक्टर है, वो खुद अपनी इच्छा से बताए कोई बात, कोई रहस्य, और उससे कोई चेंज आए, कुछ चेंज हो, तो इस तरीके से। या मेमोरी, जैसे हमने कुछ देखा उसको देखकर हमें कुछ याद आ जाए,
कोई पास्ट का कोई इंसिडेंट याद आ जाए, या प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, जैसे दिमाग में फैक्ट्स वगैरह इकट्ठे कर कर या किसी तरीके से हमें हम सोच विचार कर हम किसी नतीजे पर पहुँचे, हमें कुछ समझ आए, तो इस तरीके से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मगर जो सबसे बेस्ट है सभी रिकॉग्निशन में वो क्या है, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, जो खुद पे खुद कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए या इंसिडेंट हो जिससे कि जो डिस्कवरी हो, जो रिकॉग्निशन हो, वो खुद पे खुद नेचुरली हो जाए, वो सबसे बेस्ट है। द फंक्शन ऑफ द पोइट, एक ट्रेजिक पोइट का क्या फंक्शन होना चाहिए कि वो ये नहीं बताए कि क्या हुआ था, वो ये बताएगा कि क्या होना चाहिए या क्या होगा। यहाँ पर ये भी डिफरेंस निकल के आता है पोइट और हिस्टोरियन में, कि जो पोइट और हिस्टोरियन में जो डिफरेंस होता है वो वर्ड्स या प्रोज के अकॉर्डिंग नहीं होता, बल्कि जो ट्रू डिफरेंस होता है वो ये होता है कि पोइट ये बताता है कि क्या होना चाहिए या क्या होगा, और जो हिस्टोरियन है वो ये बताता है क्या हुआ था। तो जो पोइट्री है वो ज़्यादा फिलोसोफिकल है हिस्ट्री से, और जो पोइट होता है या ट्रेजिक पोइट, उसे वर्जेस से ज़्यादा प्लॉट्स पर ध्यान देना चाहिए, प्लॉट को अच्छे से बनाना चाहिए। एक ट्रू ट्रेजिक पोइट का ये फंक्शन होता है कि वो अपने स्पेक्टेटर्स में फियर और पिटी, इन इमोशंस को अराइज करें, वो अपने जो जो भी ट्रेजिक ड्रामा के सीन्स हैं उन्हें इस तरह प्रेजेंट करें कि स्पेक्टेटर्स में फियर और पिटी की जो फीलिंग है, जो इमोशंस है, वो अराइज हो। क्यों? क्योंकि जो ट्रेजेडी है वो सिर्फ एक कंप्लीट, एक होल एक्शन की इमिटेशन नहीं है, बल्कि उसका जो एक मेन फंक्शन है वो क्या है कि हमें ऑडियंस या स्पेक्टेटर्स में फियर और पिटी, इन फीलिंग्स को अराइज करना है। एक आइडियल ट्रेजिक हीरो की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि जो आइडियल ट्रेजिक हीरो है वो मिक्स्ड, उसमें मिक्स्ड क्वालिटीज हो हमारी तरह, उसमें अच्छाई होनी चाहिए, पर ऐसा भी नहीं है कि वो टोटली बैड हो या वो टोटली बहुत ही अच्छा इंसान हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें गुडनेस हो पर वो टू गुड भी ना हो, ना ही वो टू बैड हो, ट्रू टू लाइफ होना चाहिए, जैसा वो है वैसे ही प्रेजेंट किया जाना चाहिए। एप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए, यानी कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उसका जो रोल है वो फिट होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए। उसके कैरेक्टर में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, परफेक्टली गुड मैन नहीं चल सकता, एक पूरी तरीके से डिप्रेव मैन भी नहीं चलेगा, यानी कि कोई पूरी तरीके से सलेशियस या करप्ट पर्सन नहीं चलेगा, एक अटर विलेन नहीं होना चाहिए पूरी तरह, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए वो, या जो माइजरी होगी हीरो की या कैरेक्टर की, सिचुएशंस होंगी वो अनडिजर्व नहीं होनी चाहिए। हमार्शिया क्या होता है? ये एक मिस्टेक होती है, एक एरर होता है हीरो या कैरेक्टर में, जिसके कारण डाउनफॉल हो जाता है उसका, यानी कि जो रिवर्सल ऑफ सिचुएशन थी, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, या हम कहें जैसे हीरो बहुत अच्छी सिचुएशन में है, उससे एकदम वो बहुत बुरी सिचुएशन में आ जाए, तो वो किस कमी से आएगा उस पर्सनालिटी में, उस हीरो में कुछ ऐसी ऐसी मिस्टेक होगी, ऐसी कमी होगी, ऐसी वीकनेस होगी जिसके कारण उसका डाउनफॉल हो गया। उस मिस्टेक को हम हमार्शिया कहेंगे। फोर काइंड्स ऑफ ट्रेजेडी बताई हैं, द कॉम्प्लेक्स, वो जो पहले पढ़ा था वो प्लॉट्स थे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ये ट्रेजेडी जैसे द कॉम्प्लेक्स, द पैथेटिक, द एथिकल, द सिंपल। कॉम्प्लेक्स जिसमें रिवर्सल ऑफ सिचुएशन हो, रिकग्निशन हो, और सिंपल वो
जिसमें ना हो, जिसमें रिवर्सल ऑफ सिचुएशन ना हो, रिकग्निशन ना हो, और पैथेटिक वो जो बहुत ही ज़्यादा सैड हो, बहुत ही ज़्यादा सैड हो, जिसमें रिवर्सल ऑफ सिचुएशन ना हो, सिर्फ सैडनेस 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 हो, और एथिकल वो जिसमें जो मोटिव्स हों वो मोरली हों, मोरालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, प्रिंसिपल्स पर ध्यान दिया जाए, तो वो एथिकल ट्रेजेडी होगी। अब ट्रेजेडी के दो पार्ट्स हैं, एक कॉम्प्लिकेशन, एक अनरेवलिंग या डिनाउमेंट। कॉम्प्लिकेशन वो पार्ट है जो स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से लेकर टर्निंग पॉइंट तक, यानी कि जहां पर रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, चाहे वो गुड टू बैड हो या बैड टू गुड हो, वहां तक का जो पार्ट होता है, बिगिनिंग से टर्निंग पॉइंट तक का, वो कॉम्प्लिकेशन पार्ट है। और अनरेवलिंग डिनाउमेंट वो पार्ट है जो टर्निंग पॉइंट से एंड तक हो। डिक्शन एंड थॉट में वो सभी चीजें, वो सभी एक्टिविटीज आएंगी जो पिटी, फियर, एंगर और इस तरह की जितने भी फीलिंग्स हैं, इन सभी को अराइज करे किसी भी थ्रू, चाहे एक्शंस, स्पीच, किसी भी थ्रू इस तरह की जब फीलिंग्स अराइज होंगी तो वो थॉट में आएंगी। डिक्शन में लेटर, सिलेबल, कनेक्टिंग वर्ड, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये सब आपको पता होंगे, नाउन, वर्ब, इन्फ्लेक्शन, सेंटेंस, ये सभी यूज़ होंगे। यूज़ ऑफ वर्ड्स, हमें किस तरह के वर्ड्स का ट्रेजेडी में यूज़ करना चाहिए, करंट, स्ट्रेंज, करंट और स्ट्रेंज मतलब जो पॉपुलर हों लोगों के बीच में, चलन में हों जो वर्ड्स, वहीं पर दूसरी तरफ ऐसे भी वर्ड्स का हमें यूज़ करना है जो पॉपुलर ना हो, जो स्ट्रेंज हो, कभी सुने ना हो लोगों में, लोगों ने चलन में ना हो ऐसे वर्ड्स, न्यूली कॉइन्ड वर्ड्स हो, जो पोइट ने खुद ने यूज़ किए हों, उससे पहले यूज़ ना किए गए हों, ये मेटाफोरिकल फिगरेटिव लैंग्वेज, जो एम्बेलिश लैंग्वेज का डेफिनेशन में वर्ड आया था, उसका मीन्स यही कि जो लैंग्वेज हो मेटाफोरिकल होनी चाहिए, फिगरेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए। फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी, कथार्सिस, यानी कि जो ट्रेजेडी का जो मेन प्रॉपर फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि कथार्सिस, यानी कि पिटी और फियर, इन इमोशंस का परगेशन हो, इन ये इमोशंस स्पेक्टेटर्स, ऑडियंस, इनके अंदर से इन इमोशंस का परगेशन हो। कथार्सिस एक मेडिकल मेटाफर है, एक टर्म है जो मेडिकल में यूज़ किया जाता होगा। इसका मीन्स है कि जैसे हमारी बॉडी पर मेडिसिन का इफेक्ट होता है, उसी तरीके से हम जब ट्रेजेडी देखें तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर इस तरह होना चाहिए कि हमारे अंदर से पिटी, फियर, एक सैडनेस, इसका परगेशन हो। जैसे एक बकेट होती है, उसमें पानी जब पूरा भर जाता है, उसके बाद भी अगर हम उसमें पानी डालते रहें तो क्या होता है, पानी निकलने लगता है, पानी बाहर निकलता है। उसी तरीके से जब हम उस ट्रेजेडी को देखें तो हमारे अंदर इतने इमोशंस, हम इतने इमोशनल हो जाएं कि पिटी और फियर जैसे इमोशंस हमारे अंदर से निकलने लगे, यही इसका मीन्स है कथार्सिस का। कथार्सिस, हमार्शिया, पेरिपेटाइटिया, ये सारे वर्ड्स द पोइटिक्स में यूज़ नहीं किए गए हैं, ये तो जो बाद में क्रिटिक्स थे उन्होंने बताया कि ये जो इसमें डिफाइन है, जो एक्सप्लेन्ड है, उसे ये कहते हैं, ये टर्म है उसका, तो इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी होता है। एक चीज और आपको बताना रह गया कि ये जो प्लॉट्स बताए थे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, तो जो
एरिस्टोटल कहते हैं कि ट्रेजेडी के लिए हमें सिंपल नहीं, हमें कॉम्प्लेक्स प्लॉट का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि जो ट्रेजेडी का प्लॉट होना चाहिए वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ना कि सिंपल। लास्ट में मैं आपको यह रिकमेंड करूँगी कि जब आप किसी भी, जैसे आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देखा, इसको समझा, तो इसी तरह से अब जब आप किसी भी वर्क को समझते हैं कोई वीडियो के थ्रू या किसी वेबसाइट से, तो उसको समझने के बाद उसका जो ओरिजिनल कंटेंट है उससे उठाकर आप एक बार खुद समझने की कोशिश किया करिए, जिससे आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेंशन नहीं हैं, उससे भी आप अवेयर रहेंगे, बेसिकली आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और समझने के बाद, जैसे आपने इसको समझा था पोएटिक्स को, तो समझने के बाद जब आप खुद उसे पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ बहुत आसानी से समझ आएगा। तो होपफुली मैं इस वर्क को आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। थैंक यू।